आइए हाजरीन, जो आज के नाजी में मुशायरा है, बड़ी खूबसूरती से जो आज का ये मुशायरा चला रहे थे, यकीनन ये मुशायरा जो बुलंदी पर, जो रूज पर पहुंचा, इसके पीछे उनकी बहुत मेहनतें हैं। मैं बैठे बैठे मैंने वहां से देखा कि इतनी खूबसूरती, जहां पर मुशायरे में थोड़ी सी लचक आई, उन्होंने भरपूर तरीके से वहां मेहनत की और आप लोगों ने मोहब्बतों से उन्हें नवाजा। इसलिए अब इस मुकाम पर हम चाहते हैं कि उस नौजवान नाजिम मुशायरा को समाप्त कर ले, क्योंकि वो जितना खूबसूरत नाजिम है उतना ही खूबसूरत और उतना ही बेहतरीन शायर भी है। मैं इस वक्त जनाबे जमील अख्तर जैदपुरी को इन अशआर से दावत कलाम दे रहा हूं कि ताल्लुक को निभाना चाहिए था, ताल्लुक को निभाना चाहिए था, किसी सूरत भी आना चाहिए था। मेरी हालत पे तुम भी रो रहे हो, तुम्हें तो मुस्कुराना चाहिए था। पुरजोर तालियों में इस्तकबाल करें आज के नौजवान और कामयाब नाज़िम मुशायरा जनाबे जमील अख्तर जैदपुरी। हजरात ग्रामी, मुझे आपके हर दिल अजीज शायर और शायरा के बीच जरा भी हायल नहीं होना है। हजरत अभी इश्क की बात हो रही थी, मोहतरमा रुखसार साहबा पढ़ रही थी और इश्क के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। एक मरतबा एक शायर मरहूम राहत साहब से अर्ज करने लगा, पूछने लगा कि ये बताओ ये इश्क करने की असल उम्र क्या होती है। तो राहत साहब ने कहा इश्क करने की जो असल उम्र होती है वो 60 या 70 बरस की होती है। तो शख्स ने कहा ये कौन सी बात हुई, ऐसा क्यों है। तो राहत साहब ने कहा कि 60-70 की बरस में सिर्फ इश्क ही होता है और कुछ नहीं होता है। तो थोड़ा सा माहौल दे दें हजरात ग्रामी प्लीज, आपकी मोहब्बतें हैं, आपकी मोहब्बतों से मुशायरा आखिरी पड़ाव पर है। अभी बहुत अच्छे शायर, बड़ी शायरी हजरत मोहतरम शहजादा कलीम साहब से समाप्त करनी है। अभी इजाजत है पढ़ो, सिर्फ एक मतला एक शेर मुलाजा फरमाए कि खौफ खाना है ना मौत से डरना है मुझे, खौफ खाना है ना मौत से डरना है मुझे, ये हकीकत है कि एक रोज तो मरना है मुझे, हकीकत है कि एक रोज तो मरना है मुझे। और इश्क वो शय है जो शाहों को कलंदर कर दे, इश्क करना है तो फिर टूट के करना है मुझे, इश्क वो शय है जो शाहों को कलंदर कर दे, इश्क करना है मुझे, इश्क वो शय है जो शाहों को कलंदर कर दे, इश्क करना है तो फिर टूट के करना है मुझे। बहुत शुक्रिया। एक चार मिसरे नौजवान दोस्तों आपके नजर करता हूँ, मुलाजा फरमाए कि देखा था उसने बड़े नाजो अदा के साथ, अरे दिल लग गया था मेरा उसी दिल रुबा के साथ, दिल लग गया था मेरा उसी दिल रुबा के साथ, और कुछ देर ही में आ गई सच्चाई सामने, अरे कुछ दूर चल के देख लिया बेवफा के साथ, बेवफा के साथ। बहुत शुक्रिया हजरात ग्रामी, इसी जमीन में चार मिसरे और फिर हम राजा फरमा, बहुत शुक्रिया, कुछ दूर चल के देख लिया बेवफा के साथ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपकी मोहब्बतें। चार मिसरे एक मतला पढ़ता हूँ कि मिसल यूसुफ हूँ अगर मैं तू सुलेखा बन जा, मिसल यूसुफ हूँ अगर मैं तू सुलेखा बन जा, आ मेरे पास मेरे हाथ की रेखा बन जा, मेरे पास मेरे हाथ की रेखा बन जा, आ मेरे पास मेरे हाथ की रेखा बन जा, और दास्तां इश्क की ऐ हुस्न मुकम्मल कर दे, मैं तेरा कैस बनूं तू मेरी लैला बन जा। बहुत शुक्रिया हजरात ग्रामी, वक्त कम है, एक नज्म का एक बंद पढ़ूंगा और अपनी जगह लूंगा, मगर ये नज्म आप हजरात अपनी दुआओं से अपनी मोहब्बतों से मुझे यकीन है नवाजेंगे। मेरे भाई अतीक पारस साहब यहाँ मौजूद हैं, अब्दुल सत्तार वायरमैन साहब, मोहतरम डॉक्टर शकील साहब और तमाम मेहमानान इकराम मौजूद हैं। मुलाजा फरमाए कि खूब भी खूब कहे जिसको वही खूब है वो, खूब भी खूब कहे जिसको वही खूब है वो, उस पे 100 जान से कुर्बान हूँ महबूब है वो,
उस पे सौजान से कुर्बान हूँ, महबूब है वो इस कदर ध्यान मेरा वक्त सफर रखती है। मेरी नजरों पे वो हर वक्त नजर रखती है, उसकी आंखों में है पाकीजा मोहब्बत की शराब, उसके शफकत भरे लहजे में महकता है गुलाब। उसको देखूं ना अगर दिल मेरा घबराता है, उसके चेहरे में मुझे नूर नजर आता है। वो नहीं है तो सभी चांद सितारे फीके, उसको देखूं ना तो जन्नत के नजारे फीके, उसको देखूं ना तो जन्नत के नजारे फीके, उसके चेहरे में मुझे नूर नजर आता है। तू नहीं है तो सभी चांद सितारे फीके, तुझको देखूं ना तो जन्नत के नजारे फीके। लड़खड़ाता हूं तो वो हाथ पकड़ लेती है, आगे बढ़ के मुझे बाहों में जकड़ लेती है। अरे ऐसी खातून को, ऐसी खातून को हम दिल नहीं जा कहते हैं, प्यार ही प्यार हो जिसमें उसे माँ कहते हैं। ऐसी खातून को हम दिल नहीं जा कहते हैं, प्यार ही प्यार हो जिसमें उसे माँ कहते हैं। अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो जोरदार तालियां। आगाज फना अंजाम फना मजदूर फना है काम फना मफहूम फना इफ़हाम फना गुलशन भी फना गुलफाम फना इंसान फना हैवान फना है शजर हजर की जान फना ये फर्श फना वो अर्श फना इमलाक फना लौलाक फना हर अक्स फना पर अक्स फना याकूत फना है जोहल फना हर अक्स फना पर अक्स फना याकूत फना है जोहल फना सोनी भी फना रांझा भी फना महवाल फना है हीर फना आईना फना तस्वीर फना और शाहों की जागीर फना ये मोम फना औलाद फना माँ बाप फना औलाद फना खंजर भी फना जल्लाद फना नमरूद फना शद्दाद फना खंजर भी फना जल्लाद फना नमरूद फना शद्दाद फना राजा भी फना प्रजा भी फना नेता भी फना प्रधान फना हत्ता कि यहाँ तक महशर में इबलीस फना शैतान फना हर चीज फना हो जाएगी। कुछ देर ये सागर साकी है, बस नाम खुदा का जिंदा है, एक शान खुदा की बाकी है। मैंने कहा दोबारा कुछ नहीं पढ़ूंगा, मुझे अपने मेहमान शोरा को वक्त देना है। मैं बखूबी ये समझता हूं क्योंकि बड़ा नाजुक वक्त है, मुझे इतना माहौल बनाना था। भाई मैं आपको बहुत मुबारकबाद पेश कर रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान के मुशायरों में आपकी दुआ से मेरी हाजिरी होती है। मगर अगर मैं कहीं रुकता हूँ मुशायरे के बाद तो वो शहर सिर्फ आपका शहर मालेगांव है। सत्तार साहब मेरे घर मेरे दो मुशायरे थे, वसीम रामपुरी साहब गवाह है, एक 25 को एक 27 को मैंने दोनों मुशायरों में मंजूरी नहीं थी क्योंकि मैं 5 साल के बाद तकरीबन मालेगांव आया हूँ। मुझे अपने बहुत दोस्तों से मुलाकात करनी है, इसलिए मुझे अभी आपके बीच रहना है। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत, बहुत नवाजिश। हर चीज फना होगी, कुछ देर ये सागर साकी है, बस नाम खुदा का जिंदा है, एक शान खुदा की बाकी है। बस नाम खुदा का जिंदा है, एक शान खुदा की जिंदा है, एक शान खुदा की बाकी है। बहुत शुक्रिया हजरात-ए-ग्रामी।